लेकिन क्या करें, खुद को संभालना भी तो है। मैं नहीं देखूंगी तो फिर कौन देखेगा? मैंने सोच लिया है कि मैं अब ऑफिस जाना शुरू कर दूं। आप भी यहां मौजूद हैं, बिजनेस के सारे मामलात मुझे समझा सकेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं खुद भी यही चाहता हूं कि तुम सब कुछ खुद देखो, समझो कि अब इस सिलसिले को आगे कैसे चलाना है। क्या मतलब? कुछ नहीं, हम लेट हो रहे हैं, वेट कर रहा हूं गाड़ी में, आ जाओ निकलते हैं। तुम इतनी सी हो, सब जानती हो, डाउनलोड डिलीट है। प्लीज कट आउट। बेटा मुझे माफ कर दो, मुझसे सब नहीं होगा। रमशा, आपके पापा को इन टेक्निकल चीजों के बारे में कुछ भी नहीं पता। इनकी दोस्ती तो इन खुश किताबों से है बस। जाओ चाचू को बोलो। चाचू को मैंने हर जगह ढूंढ लिया, फिर भी नहीं मिले। मैं वापस ढूंढने जा रही हूँ। हद होती है सुहेल, आपको तो कुछ भी नहीं आता, बच्ची को नाराज कर दिया। इसमें जिम्मेदारी की क्या बात है? नहीं आता मुझे ये सब तो नहीं आता। अच्छा, तैमूर को कैसे आते हैं? वो भी तो आपका ही भाई है, सीखें उससे कुछ। अरे तो पागल पागल हो गई है क्या? अरे खाला, मैं आती हूँ, आके सुनती हूँ बात। अरे बस कर दे, दे दी कमेटी मैंने उसकी। अरे अम्मा फोन बंद कर, मैं तेरे लिए एक बड़ी मजे की खबर लेके आई हूँ, सुनेगी ना तो यकीन नहीं करेगी। अरे पागल है, देख नहीं रही, किसी से बात कर रही थी। अरे अम्मा फोन को दफा करो, तुम थकती नहीं हो जुल्फी के सारा दिन झूठी बातें सुन सुन कर? अरे जुल्फी का फोन तो नहीं था, वो तो मैं कमेटी वाली से बात कर रही थी। खैर अम्मा मेरी बात सुन, मैं जब से ये खबर सुन के आई हूँ ना, कसम से मेरा तो दिमाग बंद हो गया। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रही कि ऐसा भी हो सकता है। अरे कुछ बोलेगी भी या बस बताती जाएगी कि ये हो गया वो हो गया, बोल क्या बात है? पहले तो शुक्र अदा कर कि तेरी बेटी ने टाइम से तलाक ले ली, वरना भाई तेरी बेटी तो बेवा हो जाती। अरे क्या बात कर रही है, बता तो सही। हाँ वो सुहेल ने, हाँ? उसका इंतकाल हो गया, 4-5 महीने हो गए हैं और हमें खबर ही नहीं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। देखो तो सही, हमें तो पता ही नहीं चला। ये बहुत ही बुरा हुआ बेचारे के साथ, हमें तो किसी ने बताया ही नहीं इस बात का। तुझे कैसे पता चला? अरे ये कैसे हो गया, कुछ पता नहीं चला, किसने बताया? क्यों क्यों नहीं हो सकता, जो इस दुनिया में आया है उसे वापिस भी तो जाना ही है ना एक ना एक दिन। तुझे भी जाना है, मुझे भी जाना है, सबको जाना है। देखो तो सही, बिल्कुल तंदुरुस्त अच्छा भला था बेचारा, अचानक दुनिया से चला गया। लेकिन सोनिया तुझे बताया किसने? अम्मा वो मेरी एक दोस्त है, वो सुहेल के घर के पास रहती है, वो तो मैं ऐसे ही अचानक उससे मिल गई तो उसने मुझे सब बता दिया, नहीं तो हमें तो पता ही ना चलता। तो और क्या, देखो तो सही, हमें तो कुछ पता ही नहीं चला। ए भला इंसान था बेचारा, और यूं भी ना सोनिया, रिश्ता तो था हमारा उससे। जो जैसा करता है ना वो वैसा ही भरता है, फिर किंजा आपी के कर्मों का फल मिला उसे, मैं तो यही कहूंगी भाई। सोनिया वैसे एक बात है, जब से तूने फलक को यहाँ से निकाला है ना, उसने मुड़ के भी नहीं देखा हमें, वरना कुछ तो खबर देती है हमें। वो कैसे बताती, वो भी बेचारी पता नहीं कहाँ फुटपाथों पर धक्के खा रही होगी, किंजा आपी ने घर से जो निकाल दिया दोनों को। लो भाई ये तो अजीब बात है। अच्छा चल छोड़ सोनिया, ए आसिम की माँ का फोन था, शादी के लिए रजामंद हो गई और कह रही है इसी महीने शादी करूंगी। राजी होना ही था, अगर ना होती ना तो अपने बेटे से हाथ धो बैठती। मतलब? खैर अम्मा खाने को क्या बनाया, मैं जरा देखूं जाके क्या बना, मुझे तो बड़ी भूख लगी है। हाय हाय, देखो ना जिंदगी कितनी मुख्तसर है, सुहेल बेचारा कितना अच्छा इंसान था, बेचारे के छोटे छोटे बच्चे हैं। किंजा तो कहती थी कि ये सोनिया भी कोई कम नहीं है,